हेलो डियर स्टूडेंट। तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने ये जो सामने फॉर्मूले दिख रहे हैं, इन फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए थे बिल्कुल लास्ट में। ओके, तो इन्हीं फॉर्मूले को लेकर हम लोग नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। बट जितना मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ दैट इज़ नॉट इनफ फॉर यू। मीन्स यहाँ पे मैं जितने क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ उससे तुम लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, ये पर्पज़ है। तुम लोगों को और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, अपनी किसी रेफरेंस बुक में से या फिर जो शीट तुम लोगों को दी हुई है उसमें से सॉल्व करना है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे इंटीग्रेशन के, उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और इंटीग्रेशन आना जरूरी है, क्योंकि अगर एक बार इंटीग्रेशन में कमांड हो गई ना, तो जेई जेई मेन, जेई एडवांस या फिर बोर्ड में कोई भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आएगा तो तुम लोग हमेशा सॉल्व कर पाओगे उसको। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है जो है, इसकी लिस्ट बना लेनी है हम लोगों को, एक जगह लिख के रखना है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में बनाते थे 11th क्लास के अंदर, है ना। तो देखो, अब इनसे जुड़े हुए जो बेसिक क्वेश्चन है वो तो एनसीईआरटी के अंदर है, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, यहाँ पे हम लोगों को फॉर्मूला वही यूज़ करना है, बट डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा ट्विस्टेड करके है क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन 2x। ये जो साइन 2x है ना, इसका एक स्पेशल ध्यान रखना है हम लोगों को, साइन 2x को हम लोग या तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के फंक्शन में चेंज कर सकते हैं, या फिर हम साइन 2x को चेंज कर सकते हैं फंक्शन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब ये कैसे हम लोग कर सकते हैं, तो देखो सिंपल सी बात है, हम लोग साइन 2x को अगर हम लोग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के फंक्शन में लिखना चाहते हैं तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का जो होल स्क्वायर है, इसकी जगह हम लोग कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर भी यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड। अब देखो ये कैसे हुआ, तो देखो ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर खोलो तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, मतलब ये हो गया 1 माइनस साइन 2 एक्स। तो 1 माइनस 1 माइनस साइन 2 एक्स, तो -1 और +1 तो कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या इतना बचेगा, साइन 2 एक्स। इसी तरीके से साइन 2 एक्स को साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। जैसे मान लो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, अगर मान लो मैंने इसका होल स्क्वायर ओपन किया तो यहाँ से क्या आएगा मेरे पास, 1 प्लस साइन 2 एक्स। अब इसको साइन 2 एक्स बनाना है तो यहाँ पे क्या कर दो, बस -1। ओके, तो देखो अब यहाँ पे हम लोगों के पास इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग, आई इज इक्वल टू हम लोगों को गिवन है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट साइन 2 एक्स। अब हमें ये, अब हम लोगों को टी किसको मानना होता है, जिसका डिफरेंशिएशन दिया होता है। तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का। अगर हम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो, देख लेते हैं यहाँ पे, d/dx ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं क्या होता है साइन का, तो क्या हो जाता है कॉस एक्स, और कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स। तो इस यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हम इसके अंदर कुछ चेंज कर सकते हैं, और वो चेंज क्या है, देखो हम लोग जानते हैं कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन है ऊपर की तरफ, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हमें टी मानना है, पर यहाँ पे तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है नहीं ना, तो इसलिए हम साइन 2 एक्स को साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर -1 की फॉर्म में लिखेंगे, और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को क्या मान लेंगे, टी। तो देखो ये क्वेश्चन किस कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स तो वहाँ पे ऑलरेडी है dx, अब साइन 2 एक्स को हम लोगों को क्या लिख देना है, साइन 2 एक्स को हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर -1, इतना सा हम लोगों को करना है। अब देखो ये क्वेश्चन पूछने के लिए ना वो थोड़ा सा चेंज कर सकता है, साइन 2 एक्स को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो मान लो उसने 2 नहीं दिया, सिर्फ नीचे अंडर रूट के अंदर साइन एक्स कॉस एक्स दे दिया, तो फिर हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, फिर एक स्टेप हम लोगों को इंक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या मान लो, तुम लोग जो हम लोगों ने बनाया है इस क्वेश्चन को, ऊपर डिफरेंशिएशन किसका है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को क्या मान सकते हैं हम लोग यहाँ पे, टी। तो इसका डिफरेंशिएशन अभी हम लोगों ने देखा, वापस देख लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया हम लोगों का डी टी। अब पूरा का पूरा क्वेश्चन टी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा, डी टी, क्यों, क्योंकि कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू तो डी टी है ना, और डिवाइड में अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस वन हुआ। अब देखो कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा इसके अंदर, बिल्कुल लास्ट एफ वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो जाएगा, है ना, ये कॉस हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक नहीं देखना है, ये हम लोगों के अभी सिलेबस में नहीं है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
वहाँ टी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर की जगह वहाँ पे वन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉग मॉड टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस वन, है ना। अब टी की वैल्यू रख दो तो ये कितना हो जाएगा, लॉग टी, टी किसको माना है हम लोगों ने मॉड के अंदर, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हम लोगों ने क्या माना है, टी प्लस अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस वन, तो मतलब वो साइन टू एक्स ही है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन टू एक्स प्लस सी, दैट विल बी योर आंसर। ओके, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे हम लोगों को क्या लिखा हुआ है न्यूमरेटर के अंदर, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, यहाँ पे अगर हम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी मान लें तो हो सकता है थोड़ा माइनस का चेंज आए, पर कोई बात नहीं, हम लोग नीचे अगेन किसको, साइन टू एक्स को इसमें चेंज कर लेते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स में, क्योंकि ऊपर यहाँ पे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह, तो नीचे हम लोगों को साइन टू एक्स में, साइन टू एक्स को चेंज करना है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स में, तो ये इंटीग्रेशन हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स डिवाइड बाय 16, वहीं अपनी जगह है ना, ये लाइन हटाओ यहाँ से, 16 प्लस 9 इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस वन, ये हो गया हम लोगों का कंप्लीट साइन 2x। ओके, अब हम लोग थोड़ा नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये ऊपर तो वैसे का वैसे रहने देते हैं, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स डिवाइड बाय, अब देखो ये 9 अंदर जाएगा तो 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 7, और ये हो जाएगा 9 इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और -9 प्लस 16 तो ये कितना हो जाएगा, +7। अब यहाँ पर जो है टी मान लेते हैं, है ना, लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या मान लिया, टी मान लिया, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, तो चेंज हो जाने के लिए सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन कर लो, तो साइन का हो जाएगा कॉस एक्स और कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, जो कि अवेलेबल है न्यूमरेटर में ऐसा का ऐसा ही, तो पूरा का पूरा न्यूमरेटर किस में चेंज हो गया, डीटी में, तो जो ये आई था जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, आई इज इक्वल टू ये इंटीग्रेशन टी की फॉर्म में क्या बन चुका है, डी टी अपॉन 9t² + 7। अब इस आई को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो डी टी अपॉन 3t² प्लस √7 का स्क्वायर। अब देखो नीचे x² + a² होता है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो फर्स्ट वाला फॉर्मूला देखो, 1 अपॉन x² + a² dx = 1 अपॉन a tan inverse x अपॉन a, तो यहाँ पे हम लोग इसका आंसर लिख सकते हैं बहुत इजीली, कोई दिक्कत नहीं है, 1 अपॉन a, a बराबर कितना है √7, है ना, फिर उसके बाद tan inverse x अपॉन a, तो x की जगह यहाँ क्या है 3t, और a की जगह क्या है √7। अब देखो सिंपली t होता ना, सिर्फ यहाँ पे क्या होता, t होता, तो हम लोग क्या करते t अपॉन √7 लिखते थे, क्योंकि यहाँ पे 3t है तो वो 3 भी तो डिवाइड होगा ना, तो इसलिए हम लोग इसका आंसर क्या लिखेंगे, 1/3। अब है ना यही i लेफ्ट हैंड साइड में मैं x की फॉर्म में लिख रहा हूँ इसका आंसर, यहाँ से हम लोग ये वाली स्टेप लिखने जा रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ओ सॉरी इंटीग्रेशन तो हम लोग कर चुके ना, तो इंटीग्रेशन साइन हटाओ यहाँ से, इंटीग्रेशन करने के बाद जो फाइनल आंसर आया वो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 3 √7 tan inverse 3t। अब t क्या है, t किसको माना था, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाय √7, तो ये पूरे के पूरे इंटीग्रेशन का क्या है आंसर, प्लस क्या लगा दो लास्ट में, सी। ओके, तो ये बात हम लोगों को समझ में आ जानी चाहिए कि साइन 2x को हम लोग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स में भी चेंज कर सकते हैं, उसका फंक्शन भी बना सकते हैं, या फिर हम लोग फंक्शन बना सकते हैं किसका, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का। अब देखो ये थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो सकता है, बट ऊपर हम लोगों को सबसे पहले देखना है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है तो ये किसका डिफरेंशिएशन हो सकता है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये हो सकता है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का करेंगे तो कितना आएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, यस, तो कॉस माइनस साइन वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे, तो उसको करने से पहले साइन 2x को हम लोग क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, तो देखो ये क्वेश्चन किस तरीके से जाएगा,
आई इज इक्वल टू, ऊपर तो वैसे का वैसे रहने दो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एज इट इज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डी एक्स। नीचे क्या लिख सकते हैं हम, 9 प्लस 16 एंड 2। अब ये साइन 2x है, तो साइन 2x को हमारे पास दो चॉइस है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के फंक्शन में और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के फंक्शन में। तो यहाँ पे हम लोग चूज़ करेंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स वाला फंक्शन। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का ही ऊपर क्या लिखा हुआ है, डिफरेंशिएशन। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 16 माइनस साइन 2x को 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आराम से हम लोग टी मान सकते हैं इस क्वेश्चन का, है ना। तो देखो इधर राइट हैंड साइड के अंदर हम लोग टी मानने वाला काम करेंगे, तो हम किसको टी मान लेते हैं, लेट टी इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो ये कितना हो जाएगा भाई, डी टी इज इक्वल टू साइन का हो जाएगा कॉस एक्स, और माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, प्लस साइन एक्स डी एक्स, है ना। तो अब हम लोगों का क्वेश्चन पूरा का पूरा टी में चेंज हो गया। आई बराबर क्या लिखा जा सकता है, ऊपर की तरफ डी टी डिवाइड बाय 9 प्लस 16, ये 16 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25 लिख सकते हैं, तो चलो 25 ही लिख देते हैं। ये देखो ये 9 प्लस 16, तो ये कितना हो जाएगा, 25। 25 माइनस 25 माइनस कितना हो जाएगा, ये 16 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 16t² ओके। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, आई बराबर हम क्या लिख सकते हैं इसको, डी टी अपॉन ए का स्क्वायर, मतलब ये किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, माइनस ये किसका स्क्वायर है, 4t का होल स्क्वायर। अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है वो भी हम लोग देख लेते हैं, है ना। तो नीचे यहाँ पे बन रहा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये सी वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ हो रहा है। 1 बाय 1 हम लोग मैक्सिमम सभी फॉर्मूले यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन 2 है a प्लस x अपॉन a माइनस x। अगर यहाँ x है, तो अगर यहाँ t होता और dt होता तो क्या लिखते हैं, 1 अपॉन 2 है log a प्लस x अपॉन a माइनस x, है ना। तो 1 अपॉन 2 है a प्लस x अपॉन a माइनस x हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं ना, ये वाला c के अंदर जो लिखा हुआ है, a प्लस x अपॉन a माइनस x। तो देखो ये कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 a। अब a की वैल्यू कितनी है, 5, है ना, और t का मल्टीपल कितना है, 4, तो उसका भी डिवाइड होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1 अपॉन 4 इंटू 5, ये क्या है, देखो 1 अपॉन 2 a वाला फॉर्मूला, और ये 4 क्या है, t का मल्टीपल, और log ऊपर हम लोगों का फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या लिख देंगे हम लोग, एक्स प्लस ए या टी ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। तो a कितना है, 5 है, तो हम लिख सकते हैं 5 प्लस 4t अपॉन 5 माइनस 4t प्लस c। अब देखो इसके बाद वाली स्टेप के अंदर कुछ भी नहीं करना, बस टी को वापस वही रख देना है, तो हमारा इंटीग्रेशन का आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर, 1 अपॉन 2 इंटू 5। तो ये नीचे तो हो जाएगा कितना, 1 अपॉन 40, 1 अपॉन 40 log, और ये पूरा का पूरा हम किस में लिखते हैं, मोड में, 5 प्लस 5 प्लस 40, 40 का मतलब 4 sin x माइनस 4 cos x, और नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, 5 माइनस 40, मतलब ये हो जाएगा 5 माइनस 4 sin x प्लस 4 cos x मोड में। तो ये इंटीग्रेशन का हम लोगों का फाइनल आंसर हो गया, है ना। नेक्स्ट ट्राई करते हैं हम लोग। अब देखो वैसा नहीं है, थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे हम लोगों को बस इस क्वेश्चन के अंदर पता है ना कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो ये सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आता है, 2 sin x cos x, मतलब sin 2x, और cos 2x का भी लगभग लगभग यही होता है, 2 cos x माइनस sin x, है ना, मतलब क्या हो गया, -sin 2x, और ऊपर sin 2x जैसा ही कुछ है। तो नीचे हम लोग क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन मतलब नीचे वाले को पूरे को टी मान लेते हैं हम लोग, है ना। तो लेट ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, है ना। ये स्पेशल टाइप के क्वेश्चन हैं, जो फॉर्मूला सेट अभी हम लोगों ने देखा था उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं, और भी प्रैक्टिस की जा सकती है उनकी। इसको क्या मान लिया हम लोगों ने, टी। अब ए कॉस स्क्वायर एक्स है, तो ए कॉस स्क्वायर एक्स का हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो कितना आएगा, -2a cos x इंटू sin x प्लस 2b sin x
इन टू कॉस एक्स, और ये पूरा का क्या हो जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब देखो ये कॉस एक्स साइन एक्स रखना है यहाँ पे बस, है ना। तो ये कॉस एक्स साइन एक्स कॉमन ले लो पूरा का पूरा, साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अब देखो यहाँ क्या बचेगा, माइनस टू ए प्लस टू बी, या फिर हम बोल सकते हैं टू बी माइनस टू ए, उसको डी टी के पास में भेज दो। तो ये क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन टू कॉमन लेने के बाद बी माइनस ए, ठीक है। अब ये सब वैल्यू ऊपर रख दो आई में वापस से, तो ये कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू डी टी की वैल्यू कितनी आई, मतलब डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स की, साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स बराबर क्या हो गया, डी टी अपॉन कॉन्स्टेंट। तो हम लोग लिख सकते हैं डी टी अपॉन पूरा का पूरा तो ये टी, और ये कॉन्स्टेंट कितना, टू इंटू टू बी माइनस टू ए लिख देते हैं, चलो, है ना, ब्रैकेट लगा दिया मैंने वहाँ से। अब ये वन अपॉन टी है, बाकी तो कॉन्स्टेंट है, जो कॉन्स्टेंट है उसको तो ऐसे ही लिख दो, ये क्या लिख देंगे, टू बी माइनस ए। अब वन अपॉन टी का क्या होता है, लॉग मॉड टी। अब टी इज इक्वल टू हम लोगों ने माना क्या है, मैं डायरेक्ट वही रख देता हूँ, तो चलो पहले टी रख देते हैं, प्लस सी, इसका मतलब हम लोगों का आंसर कितना आ गया, वन अपॉन टू इंटू बी माइनस ए लॉग मॉड टी, टी जिसको माना है उसकी वैल्यू रख दो वापस से, ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी। तो ये हम लोगों का फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो देखो मैं वापस से तुम लोगों को रिपीट कर रहा हूँ कि तुम्हें और भी ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, फिर उसके बाद रेफरेंस बुक लेना है, उसमें से प्रैक्टिस करनी है। अगेन आई एम सेइंग, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही इंडिकेशन में नए क्वेश्चन को देख के दिमाग तुम्हारा लग पाएगा। अब जैसे कि ये है, तो यहाँ पे भी तुम ट्राई कर सकते हो, जैसे मान लो ये वीडियो देख रहे हो तो खुद पहले ट्राई करो अपने आप कि क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर, और फिर जब नहीं आए तो देख लो, और जब आ जाए तो बस आंसर मैच कर लो थोड़ा आगे बढ़ा के, है ना, टाइम बचा सकते हो तुम। जितना टाइम देखने में लगोगे लगेगा उससे ज़्यादा टाइम, मतलब कम टाइम में तुम लोग सॉल्व भी कर सकते हो ना, तो प्रैक्टिस करनी। तो देखो यहाँ पे क्या है, सेक की पावर थ्री टू एक्स टेन टू एक्स। अब देखो जो थीटा है मतलब टेन के अंदर और सेक के अंदर, वो तो टू एक्स है, तो उसका तो हम लोगों को कोई टेंशन लेना ही नहीं है, है ना। तो यहाँ पे क्या है, देखो सेक है और टेन है, तो हम एक काम यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे एफ एक्स और एफ डी सेक्स बनाएं। तो अगर मैं सेक क्यूब एक्स को ऐसा लिख देता हूँ, सेक स्क्वायर टू एक्स इंटू सेक टू एक्स इंटू टेन टू एक्स, अब तुम लोगों को पूरी कहानी एकदम क्लियर नज़र आ जानी चाहिए, ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, सेक का। तो मतलब पहले वाले सेक को हम क्या मान सकते हैं, टी। तो यहाँ पे कर लो पुट या फिर सब्स्टिट्यूट, सेक टू एक्स को क्या मान लो, टी। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लो, तो सेक का क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स, तो ये हो जाएगा सेक टू एक्स इंटू टेन टू एक्स इंटू टू भी होगा, वो टू कहाँ चला जाएगा, डी टी के नीचे, डी टी अपॉन टू। अब पूरा का पूरा क्वेश्चन टी में चेंज हो गया, और टी में चेंज होकर वो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर डी टी, बस वन अपॉन टू और है ना। तो टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टी क्यूब अपॉन थ्री, और इंटू टू चल ही रहा है, प्लस सी। अब टी की दोबारा से वैल्यू रख दो, तो टी बराबर क्या माना था हम लोगों ने, सेक टू एक्स इस पूरे की पावर थ्री डिवाइड बाय सिक्स प्लस सी, ये इतना है, सेक टू एक्स की पावर थ्री अपॉन सिक्स प्लस सिक्स, ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन। अब इसी के जैसा एक और हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हम लोगों के पास, टेन की पावर थ्री टू एक्स इंटू सेक टू एक्स डी एक्स। अब ना यहाँ पे किसकी पावर थी, सेक की पावर, तो हम लोगों ने एक सेक को हटा दिया था। यहाँ पे भी ऐसा कुछ करें अगर हम, तो मतलब पहले वाले क्वेश्चन जैसा, टेन स्क्वायर टू एक्स इंटू टेन टू एक्स इंटू सेक टू एक्स डी एक्स। अब देखो हमें लग तो रहा है कि ये किसका डिफरेंशिएशन है, सेक एक्स का, पर यहाँ सेक नहीं है, तो क्या हम टेन स्क्वायर को सेक स्क्वायर में चेंज नहीं कर सकते, कर सकते ना, तो कर लो। तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर टू एक्स माइनस वन, हमें पता है टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब बाकी टर्म ऐसी की वैसी, टेन टू एक्स इंटू सेक टू एक्स डी एक्स, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो अंदर की तरफ, तो ये कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर टू एक्स इंटू टेन टू एक्स इंटू सेक टू एक्स, एक ये वाला इंटीग्रेशन माइनस दूसरा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेन टू एक्स इंटू सेक टू एक्स डी एक्स। अब देखो ये टेन सेक का तो हमें पता ही है, टेन इंटू सेक किसका डिफरेंशिएशन होता था, सेक का,
और ये वाला जो है ये अभी अभी हम लोगों ने सॉल्व किया, वही का वही क्वेश्चन है। देखो देख लो एक बार, सेम टू सेम क्वेश्चन है। सेक की पावर 3x टेन 2x, मतलब सेक स्क्वायर 2x, सेक 2x टेन 2x, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? सेक 2x का होल क्यूब, सेक 2x का होल क्यूब डिवाइड बाय 6। और अगला वाला क्या हो जाएगा? सेक सेक 2x, बट 2 है इसलिए हम लोगों को x के साथ 2 है, इसलिए 2 का क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? डिवाइड प्लस c। तो ये हम लोगों का आंसर है ना। अब नेक्स्ट हम लोग कैटेगरी देखते हैं इंटीग्रेशन की। देखो अब जितने भी हम लोग इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे उसमें मैं है ना तुम लोगों को टाइप्स बताऊंगा, क्योंकि देखो डिफरेंशिएशन में तो क्या होता था, कोई फंक्शन होता था, कोई भी फंक्शन हो डिफरेंशिएशन के अंदर हम सभी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। पर कोई भी फंक्शन अगर हमें मिल जाए और उसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें कोई बोले, तो ऐसा जरूरी नहीं है हम हमेशा इंटीग्रेशन कर पाएं। तो सबसे पहले हम लोगों को पहचानना होगा कि वो टाइप कौन सी है और उसको लेकर आगे कैसे बढ़ना है या टी किसको मानना है। तो मैं यहाँ पे तुम लोगों को ट्राई करवाऊंगा मैक्सिमम टाइप्स के इंटीग्रेशन हम लोग यहीं पे ऑनलाइन लेक्चर के अंदर सीख लें। तो उससे क्या होगा, कोई नया क्वेश्चन मिलेगा तो तुम लिंक कर पाओगे, और एक बार लिंक करना सीख गए ना तो फिर तो कोई नई टाइप भी बना के तुम्हें कोई दे देगा ना, तब भी तुम उसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो वही बोल रहा हूँ मैं, प्रैक्टिस करनी है। तो देखो यहाँ पे क्या है, पहले दूसरा तीसरा एंड फोर्थ, यहाँ पे चार तरह के टाइप है। तो चारों के अंदर एक बात ध्यान से देखो, एक्स की पावर कितनी है? ऊपर 2, नीचे एक्स की पावर कितनी है? 4। ऊपर एक्स स्क्वायर, नीचे एक्स की पावर 4, है ना। ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, नीचे एक्स की पावर 4 में कोई पॉलिनोमियल है। थर्ड में भी ऐसा ही कुछ है। एक बात ध्यान देना है हमें, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट और एक्स की पावर 4 का कोफिशियंट सेम होना चाहिए, मतलब यहाँ 1 है तो यहाँ पे भी 1 होना चाहिए। अगर मान लो ऊपर 4 है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए, है ना। अगर इस तरह की कोई कैटेगरी दी है तो इसको सॉल्व करने का मेथड बता देता हूँ मैं तुम्हें, मेथड क्या होगा, है ना। तो ऐसे एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, बट फिर भी एक्स एक्स स्क्वायर ऊपर हो और नीचे एक्स की पावर 4 हो और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो कि एक्स बराबर टेन थीटा साइन थीटा क्या रखें, समझ नहीं आ रहा, तो ये करना है हम लोगों को। हम लोगों को क्या लेना है? कॉमन लेना है। टेक कॉमन, या फिर डिवाइड भी बोल सकते हैं, डिवाइड और कॉमन लेना है की बात है। टेक कॉमन एक्स स्क्वायर कॉमन लेना है फ्रॉम न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। ये एनआर मतलब क्या है वो केमिस्ट्री वाला एनआर मत समझ लेना, और ये डीआर मतलब डॉक्टर मत समझ लेना। एनआर मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में से क्या कॉमन लेना है? एक्स स्क्वायर, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, बोथ न्यूमरेटर भी एंड डिनोमिनेटर भी, दोनों के दोनों को हम लोगों को क्या करना है? डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर से। डिवाइड कर लिया हम लोगों ने, है ना। ये तो हम लोगों की पहली स्टेप हो गई। सेकेंड स्टेप के अंदर हम लोगों को क्या करना है? हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर ऑफ, या तो एक्स प्लस 1/x का परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, या फिर एक्स माइनस 1/x का परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। एक्स प्लस 1/x का परफेक्ट स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, मतलब ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2। और एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/x². फिर हम लोग क्या करेंगे, ये परफेक्ट स्क्वायर हम लोगों ने बना दिया, फिर उसके बाद वाली जो स्टेप है हम लोगों की वो है अकॉर्डिंग टू न्यूमरेटर। अकॉर्डिंग टू न्यूमरेटर सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट, अब ये जो है ना सब्स्टिट्यूट अकॉर्डिंग टू न्यूमरेटर, ये हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हम लोगों को एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x^4+1, तो ऊपर एक्स स्क्वायर और नीचे एक्स की पावर 4 है, तो सबसे पहले क्या करना है? एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लेना है ना। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1+1/x² डिवाइड बाय x² + 1/x² dx। तो हम लोगों की पहली स्टेप कंप्लीट हो गई। अब हमें डिनोमिनेटर के अंदर x प्लस 1/, है ना, तो ये सेकेंड स्टेप किसके लिए? डिनोमिनेटर के लिए। इन डिनोमिनेटर,
डिनोमिनेटर के अंदर हम लोगों को क्या बनाना है, या तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर या फिर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन रहा होगा? देखो मैं यहाँ मैं दोनों को बता देता हूँ तुम्हें। डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स अगर रहता तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, एक्स का वन, और वन अपॉन एक्स का क्या होता है, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से डी वाई डी एक्स ऑफ अगर ये एक्स माइनस वन अपॉन एक्स हो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अब हम इंटीग्रेशन के वो टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने लग गए हैं जिसके अंदर एफ एक्स और एफ डी जेड सेपरेटली नहीं दिया हुआ है। हम लोगों को एफ एक्स भी खुद क्रिएट करना है और एफ डी जेड भी खुद क्रिएट करना है, और उसके बाद एफ एक्स को क्या मानना है टी। इस बात को दोबारा सुन लेना जो मैंने वापस जो बोली है ना। तो देखो वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो नीचे हम किसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, किसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, वन प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर लिखा है, मतलब एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का हम लोगों को परफेक्ट स्क्वायर नीचे बनाना चाहिए। तो देखो हम कैसे बना सकते हैं, वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर तो वैसे का वैसे ही रहेगा ऊपर की तरफ, हम लिख देते हैं इसको एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। अब ऐसा लिखने से एक्स्ट्रा क्या आया हम लोगों के पास, माइनस वन ही तो एक्स्ट्रा आया ना, या ओ सॉरी माइनस वन गलत बोल रहा हूँ मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, माइनस टू एक्स्ट्रा आएगा। तो उस माइनस टू को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ क्या कर सकते हैं, प्लस टू कर सकते हैं। अब यहाँ पे तुरंत सब्सटीट्यूट कर दो, लेट, अब देखो ये हमने खुद ने किया है कि एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का ऊपर डिफरेंशिएशन है तो इसी को टी मानेंगे। तो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स को टी मानने पर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इजिकल टू डी टी। यही तो हम लोगों को यहाँ पर डी टी लिखना है। तो ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी टी डिवाइड बाय टी स्क्वायर प्लस टू, टू मतलब अंडर रूट टू का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला में कन्वर्ट हो चुका, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये कितना होता है, वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स की जगह क्या है टी अपॉन ए प्लस सी। अब टी जिसको माना था उसकी वैल्यू दोबारा रख दो तो ये कितना हो जाएगा, वन अपॉन रूट टू टेन इनवर्स टी, हमने माना था एक्स माइनस वन अपॉन एक्स को, और यहाँ पे क्या है अंडर रूट टू है ना, मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, लॉग नहीं है यहाँ पे, प्लस सी। इस आंसर को एलसीएम लेके थोड़ा और सॉल्व किया जा सकता है तो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन अंडर रूट टू टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन अंडर रूट टू एक्स, है ना। ये हम लोग लास्ट में दो तीन स्टेप सॉल्व कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन में क्या आंसर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम इसको चेंज कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन है तो सबसे पहली वाली स्टेप तो लगा ही दो, क्या कर दो, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और डी एक्स तो वहीं पे ही है, और नीचे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे हम लोगों के पास न्यूमरेटर के अंदर है वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर जो कि डिफरेंशिएशन होता है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का, तो नीचे हम क्या करेंगे, प्लस वन और प्लस टू करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का, है ना, तो उसका होल स्क्वायर यहाँ पे हम लोगों ने बना दिया। अब देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आएगा, इसको अगर हम ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर तो आएगा, इसे प्लस टू और आएगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ क्या कर देते हैं, माइनस टू कर देते हैं। अब यहाँ पे टी मान लो, तो टी किसको मानेंगे हम लोग, लेट एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू, हम लोगों ने क्या मान लिया टी, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब पूरा का पूरा क्वेश्चन चेंज हो चुका है टी में, तो ये क्या हो गया, डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट टू का स्क्वायर। ये अंडर रूट टू का स्क्वायर हम इसलिए बनाते हैं ताकि ये फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाए। अब फॉर्मूला पहले तो क्या था, प्लस वाला था तो टेन इनवर्स हो गया था, अब माइनस वाला है तो ये कितना हो जाएगा, वन अपॉन टू ए, वन अपॉन टू ए, ए कितना है रूट टू, और ये हो जाएगा लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए वाला, तो ये क्या हो जाएगा, टी माइनस रूट टू डिवाइड बाय टी प्लस रूट टू। अब नेक्स्ट क्या करना है, टी की वैल्यू रखनी है और आंसर हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर फोर प्लस वन। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने देख तो लिया एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर फोर प्लस वन है, ये वही टाइप है जो अभी हम लोगों ने सीखा,
पर अगर हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे ना, तो ऊपर तो सिर्फ वन बचेगा, मतलब वो किसी का डिफरेंशिएशन ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली मिक्स है, जो अभी हम लोगों ने दो क्वेश्चन सॉल्व किए उसके। कैसे मिक्स है? ऊपर क्या हम लोगों को चाहिए? या तो ऊपर क्या हो, एक्स स्क्वायर प्लस वन हो, या फिर ऊपर क्या होना चाहिए न्यूमिरेटर के अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस वन। इन दोनों में से एक टर्म होनी चाहिए। तो क्यों हम एक्स स्क्वायर को इन दोनों के टर्म्स के एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन में चेंज कर लें? अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ तो देखो प्लस वन और माइनस वन तो बैलेंस हो गया। यहाँ एक्स स्क्वायर था पर आ कितना गया, 2x स्क्वायर। तो इसको क्या कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, और जो पहले वाली था एक्स की पावर 4 प्लस 1, वो तो वैसे की वैसी रहेगी, है ना। तो यहाँ पे क्या कर दो, dx। अब सेपरेट कर दो इसको, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x^4+1 dx प्लस x^-1 dx डिवाइड बाय x^4+1। अब देखो ये हम लोगों का 1/2 I1 प्लस, यहाँ पे भी 1/2 होना चाहिए, 1/2 I2। और I1 I2 अभी अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है। अभी जो दो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए उसमें पहला वाला तो I1 था, पहला वाला तो क्या था, I1। ये देखो ये I1 है, इसका आंसर क्या आ रहा है, टेन इनवर्स की फॉर्म में। यहाँ से आंसर कॉपी कर लो। इसी तरीके से सेकंड वाला क्या है, देखो माइनस है ऊपर की तरफ x^-1, और ये क्या है, I2। तो I1 I2 तो हम सॉल्व कर चुके हैं ना, तो यहाँ से हम इधर वैल्यू रख सकते हैं, बट स्टिल हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसको दोनों को अगर मैं साथ में लेके चलूँ एक स्टेप के अंदर तो भी हो जाएगा, है ना। ये तुम अपने आप कर सकते हो। और नेक्स्ट ये है जो तुम लोगों को क्या है, इस लेक्चर को देखने के बाद प्रैक्टिस करनी है इसकी। फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसका मैं सॉल्यूशन भी बताऊंगा तुम्हें।